नमस्कार, स्वागत है आपका हिमकॉम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह। तापसी पन्नू के थप्पड़ से पहले दिन ही हिला बॉक्स ऑफिस। तापसी पन्नू के थप्पड़ की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उनके फिल्म थप्पड़ की। इस फिल्म ने रिलीज से पहले ऐसे कई सवाल खड़े कर दिए जिसने यह सोचने पर लोगों को मजबूर कर दिया कि एक थप्पड़ किसी के मन को कितना चोट पहुँचा सकता है। थप्पड़ की फिल्म समीक्षकों ने भी अच्छी रेटिंग दी है। आइए हम आपको बताते हैं कि पहले ही दिन तापसी के इस थप्पड़ का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल रहा। थप्पड़ फिल्म पहले दिन अनुमान के मुताबिक 3 करोड़ का कलेक्शन किया है। फिल्म का पहला दिन कलेक्शन कंगना रनौत की फिल्म पंगा से ज़्यादा है, लेकिन दीपिका की छपाक और रानी मुखर्जी की मर्दानी से कम। उम्मीद की जा रही है कि इस फिल्म को वीकेंड का पूरा फायदा मिलेगा और कलेक्शन में उछाल आ सकता है। आपको बता दें कि फिल्म का बजट 22 करोड़ है। इस फिल्म को भारत में 2300 से ज़्यादा और ओवरसीज में 400 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया है। फिल्म में तापसी पन्नू के अलावा पवेल गुलाटी, माया सराओ, रत्ना पाठक, तन्वी आजमी, राम कपूर और दिया मिर्जा हैं। इसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। इससे पहले तापसी की फिल्म सांड की आंख रिलीज हुई थी, इसमें तापसी ने शूटर का किरदार निभाया था, तो वहीं थप्पड़ में गृहिणी अमृता का किरदार निभाया है। फिल्म में तापसी को उसका पति थप्पड़ मारता है। फिल्म में मुद्दा थप्पड़ मारने का नहीं है, मुद्दा यह है कि थप्पड़ मारा क्यों। इस बात का अनुभव ने अलग अलग किरदारों के जरिए अलग अलग दृष्टिकोणों से उभारा है। इस फिल्म में अनुभव सिन्हा ने यह भी दिखाया है कि दूसरों के लिए अदालत में लड़ने वाले एक वकील का कैसे घर में ही दम घुटता है। इस फिल्म को फिल्म समीक्षकों के अलावा सोशल मीडिया पर भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।